हरे कृष्णा। सभी भक्तों का रविवार संध्याकालीन सत्र कार्यक्रम में स्वागत है। वैसा देखेंगे तो मेरी कोई यहाँ इस व्यासासन पर बैठकर आपके साथ वो भी भगवद गीता और भागवतम जैसे महान ग्रंथों का वार्तालाप करना योग्यता नहीं है, फिर भी वरिष्ठ भक्तों का आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आपको आप सबको मालूम है कि दिसंबर महीना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह महीना में 25 तारीख को जो मोक्षदा एकादशी हुई है, मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती सेलिब्रेट करते हैं। गीता जयंती मीन्स क्या है? जयंती का अर्थ क्या होता है? जन्म दिवस। इसी दिन गीता का जन्म हुआ है। गीता का जन्म हुआ मीन्स अपन जैसे बड़े बड़े नेता रहते, लीडर रहते, या अपने बाल बच्चों का जैसा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वैसा ही ये मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती सेलिब्रेट करते हैं। ये जो गीता है भगवान के मुखारंद से निकाली हुई है। जैसे अपन गंगा में स्नान करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं, वैसे ये भगवद गीता ऐसा है कि कोई भी उसका अगर श्रवण करे, पठन करे, तो वह उसका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। भगवद गीता देने का भगवान अपने ये जो भौतिक जगत में अपन जो फंसे हुए हैं, भगवान को मालूम है कि ये मानव जन्म किस लिए है और अपन भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, तो इससे निकालने का उन्होंने एक तरीका दिया है। जैसा आपको उसका एक ही रीज़न था कि भगवान डायरेक्टली तो नहीं दे सकते थे, दे सकते भी है भगवद गीता, लेकिन अपन उनको मानते नहीं थे। फिर भी उन्होंने क्या किया, ये जो अर्जुन है, अर्जुन को क्या किया, भ्रम में डाल दिया ताकि वो अर्जुन को गीता सुनाए। और अर्जुन को जो प्रॉब्लम था सेम प्रॉब्लम अपने को है। अर्जुन जो दुख में था, जिसको जो प्रॉब्लम था, हर प्रॉब्लम अर्जुन का प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम है। अगर अपन अर्जुन के जो अर्जुन ने जो किया वो अगर करेंगे तो निश्चित रूप से अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। ये जो भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाई है, हस्तिनापुर ये प्लेस है। ये जो हस्तिनापुर आता है हरियाणा स्टेट में आता है। हरियाणा का अर्थ क्या है? कोई बोल तो ये किया है, कभी सोचा है कि हरियाणा का अर्थ क्या होगा? उसको हरियाणा नाम क्यों पड़ा है? मैं एक प्रभु जी के लेक्चर में सुना था, हरियाणा का अर्थ उन्होंने बताया कि हरि मीन्स भगवान कृष्ण, याना मीन्स आना। जब भगवान श्री कृष्ण ने वहां पे भगवद गीता सुनाई थी, वहां पे गए थे, तो उसी से उनका वो स्टेट का नाम हरियाणा पड़ गया। हरि भगवान का नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम, और याना मीन्स आना। तो ये स्टेट बहुत ही हस्तिनापुर बहुत ही ये है, क्या बोलते, पवित्र क्षेत्र कहते हैं उसको। तो ये भगवद गीता देने का वही कारण था कि भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को भौतिक संसार की अज्ञानता से मुक्त करना है। मुख्य उद्देश्य वही है कि ये जो भौतिक जगत में अपन जो फंसे हुए है, अपन अज्ञानी है। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूँ। अपन जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ शरीर के लिए कर रहे हैं। इतना जो भागदौड़ चल रहा है शरीर के लिए चल रहा है। आत्मा कोई भी नहीं जानता है। तो उसने जिस प्रकार रणभूमि में दोनों सेनाओं के बीच खड़े अर्जुन दुविधा में थे, उसी प्रकार आज प्रत्येक व्यक्ति दुविधा और समस्याओं से ग्रस्त है। आप सबको मालूम होगा कि
अपन भौतिक जगत में है, कितना ही बड़ा आदमी होने दो या कोई गरीब होने दो, सबको सेम प्रॉब्लम है। अपने को लगता है कि मेरा घर हो जाएगा तो मैं सेटिस्फाई हो जाएगा, समाधानी हो जाएगा, मेरा गाड़ी हो जाएगा तो समाधानी हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छा जॉब मिलेगा तो समाधानी हो जाएगा। तो एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आदमी दौड़ रहा है, लेकिन वो चीज़ मिलने के बाद उसको समाधान मिलता नहीं, सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं। उसका कारण वही है कि अपन भगवान को भूल गए हैं। और अपन क्या कर रहे हैं कि अपने बद पे मिस, मुझे लगता है कि मैं करेगा, भगवान की बोलते ठीक है करो, तुम्हारे ट्राई करते रहो, कहाँ तक करते हो। अपन देखते हैं कि बड़े बड़े जितने ही लोग हैं, बहुत रिच लोग हैं, अपने को लगता है कि वो मैं वो टाइम पे वो अगर उनके शरीर का अगर हो जाएगा मैं समाधानी हो जाएगा, लेकिन नहीं है। ये आपको भी बोल तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस रहा होगा। अपन देखते हैं कि अपने पिताजी है या नाना है, उसके नाना तो नहीं जान सकते लेकिन अपने नाना है, उनको कम से कम देख सकते थे या पहन सकते, वो कितने समाधानी थे। छोटे गांव में रहते थे लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था, दो टाइम का खाना इतना ही खेती में मिलता था, उसे वो गुजरान करते थे, लेकिन टेंशन नाम का प्रकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए थे। मुझे याद है हमारे नाना के घर में इतना खेती था कि एक साल का गुजरान हो जाएगा उतना ही उनको अनाज मिलता था। परिवार बहुत बड़ा था, दो तीन लड़कियां थी, दो तीन लड़के थे, और वो उसमें गुजरान करते थे। लेकिन दिन भर काम, खेत में काम करने के बाद शाम को आते थे, नहाते थे, पैर वगैरह धोते थे, तो शाम को पहले गांव का जो मंदिर था हनुमान जी का, वो मंदिर में जाते थे, या विठ्ठल रूपमयी का मंदिर था वो मंदिर में जाते थे। एक डेढ़ घंटा कुछ नहीं, बाकी हरिपाठ करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, और घर में आके खाना खा के सो जाते थे। लेकिन उनको कभी टेंशन नहीं आया कि आगे क्या हो जाएगा, इन लड़के का शादी कैसा हो जाएगा, इनके बच्चों का एजुकेशन कैसा हो जाएगा। ना उनके पास गाड़ी थी, ना बंगला था, ना कुछ भी नहीं था। लेकिन आज अपने पास सब कुछ है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं। आप उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, जैसा जैसा अपन आगे बढ़ रहे उनका प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो ये क्या बोलते उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। हर सुविधा बढ़ रही है लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। तो सुविधा बढ़ने से अपना ये नहीं हो जाएगा, आदमी समाधानी नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या करना पड़ेगा कि अपन समाधानी हो जाएंगे, अपने को शांति मिलेगी? हाँ, वो तो बताया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद जी इतने कृपालु है कि उन्होंने देखा कि इस भौतिक जगत में कितने बोल तो बाकी सब कुछ है, कितने दुखी लोग हैं। तो उनका टारगेट यही था कि हरिनाम, हरिनाम का वितरण करना था, तो वो उन्होंने किया है। लेकिन अपन, उन्होंने इतना कष्ट किया है लेकिन अपन उतना फायदा ले रहे हैं क्या? आज अपने पास, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। पहले छोटा मोबाइल रहता था 200-500 रुपए, 1000 रुपए का। आज कोई भी व्यक्ति के पास 10,000 से कम मोबाइल नहीं है। उसका कितना यूज कर सकते हैं अपन हर टाइम पे? कम से कम कैलकुलेट कीजिए कि दिन में 24 घंटा में कितना बार अपन व्हाट्सअप देखते हैं, उसको कितना फायदा होता है अपने को। एजिटेट होता है, मीन्स डिस्टर्बेंस होता है, क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है? तो हर व्यक्ति अगर अपने साथ अगर भगवद्गीता रख सकता है, जैसा जैसा टाइम मिलता है उसको पढ़ सकता है। किसके पास? सबके पास भगवद्गीता है, भगवद्गीता पढ़ा होगा सबने, पढ़ा अपने बहन के पास है, भाई के पास है, अपने रिलेटिव के पास है या पड़ोसी के पास है। आपको कुछ फायदा हुआ लग रहा है ना, भगवद्गीता पढ़ के कुछ तो बोल तो बेनिफिट हुआ होगा, फायदा हुआ होगा ना, तो फिर वो दूसरे को क्यों देना नहीं चाहते?
अवश्य दीजिए। जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, जो समाधान मिलेगा, वो अनगिनत है। और प्रभुपाद ने जो ये जो अपॉर्चुनिटी दिया, ये जो दिया है अपने को सेवा करने का चांस दिया है, बहुत ही अच्छा है। आपने देखा होगा कि आपके घर में कंप्यूटर रहेगा या मोबाइल अपना टीवी लाते हैं, वो टाइम पे क्या करते हैं कि टीवी लाने के टाइम में उसके साथ एक मैनुअल लाता है। वो मैनुअल में हर चीज़ दिया रहता है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है ना टीवी को, टीवी को जितना बोल तो खर्चा नहीं करता उसका, वो मैनुअल प्रिपरेशन के लिए खर्चा करता है कि कौन सा ही अनपढ़ आदमी होने दो ये टीवी कनेक्ट कर पाएगा, जिसको पढ़ाई लिखाई है वो ये टीवी प्रॉपरली कनेक्ट कर पाएगा। वहाँ पे हर चीज़ दिया रहता कि ऐसा स्टेप बाय स्टेप ये करो, रीड करो और उसको कनेक्ट करो तो चालू हो जाएगा। वैसा ही भगवान ने किया कि अपना जन्म हुआ है तो उनको मालूम था कि अज्ञानी लोग रहेंगे, बोल तो अज्ञान में रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया, ये अपना मैनुअल दिया है। ये मैनुअल इतना अच्छा है कि कोई भी फोर्थ स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड वाला आदमी पढ़ सकता है। अगर इसके साथ ये भगवद्गीता सर अपना अगर लाइफ मैच करेंगे जीना तो बहुत सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं कि अपन क्या है, सब संसारी लोग हैं, तो इसके साथ ऐसा इसका अर्थ ये नहीं लेना है कि सब छोड़ देने का है, काम धंधा छोड़ देने का, बाल बच्चे को छोड़ देने का और यही करने का है। लेकिन इसके साथ जो अपन जो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ घर गृहस्थी करके इसके साथ इसका संबंध जोड़ना पड़ेगा, वैसा अपना टाइम बहुत वेस्टेज होता है। कहाँ का टाइम अपन ये नहीं करते, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, कोई मिलता है तो गॉसिप करने में, लेकिन उसका अगर यूटिलाइजेशन या उसका अगर प्रॉपरली अगर यूज किया, मैं नहीं बोल रहा कि मोबाइल यूज मत करो, उसमें अभी सब बहुत बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि मोबाइल का यूटिलाइजेशन कैसे करते, उसमें सॉन्ग आते हैं, लेक्चर आते हैं, जैसा टाइम मिलता है कान में हेडफोन डाल के उसके जो सॉन्ग सुनते हैं, वह लेक्चर सुनते हैं, उसका व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी दिया है वो टेक्नोलॉजी का अपने को यूज़ करना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी की बहुत ही अपने ऊपर कृपा है कि इतना सारा उन्होंने सेटअप कर रखा है। औरंगाबाद का जितना पॉपुलेशन है यहाँ पे गिने चुने तो बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, ये क्यों आप यहाँ पे क्यों आए हैं, ये स्पेशल भगवान की मर्सी है, स्पेशल भगवान की कृपा है। आप सब भक्तों ने या पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा कि आपको खींच ला है यहाँ पे, ताकि आपका जीवन आगे वाला जीवन सुखकर हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति नहीं करते, जब आप किसी के साथ डिस्कस करेंगे तो कृष्ण की भक्ति नहीं करते, क्यों नहीं करते, तो अलग अलग वो बताते कि कृष्ण ऐसे है वैसे है, लेकिन जब फिर अपन भी चुप बैठते हैं, बोलते क्योंकि उसको आंसर नहीं दे सकते। अगर आपने भगवद्गीता पढ़ा, कृष्ण के बारे में सुना, तो अपन उसको आंसर दे सकते। भगवान कृष्ण ऐसे है कि एक बार अगर आपको अटैच हो गए या आप उनसे अटैच हो गए तो कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि हम राम के साथ राम की भक्ति करते हैं कि वो सीधे साधे हैं, कृष्ण टेढ़े ही है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक सिलेंडर है सीधा, इसमें अगर टेढ़ा चीज जाएगा तो निकलेगा नहीं। वैसा ही भगवान अपने के साथ, भगवान कृष्ण एक बार अपने साथ जुड़ गए वो निकलेंगे नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। आप कितना ही ट्राई करो उनको छोड़ने का, लेकिन कभी छोड़ेंगे नहीं वो, क्योंकि उनको मालूम है कि ये भौतिक जगत में बहुत परेशान हो रहा है, कैसा तो मेरे पास आया, मैं छोड़ेगा नहीं।
उसमें वही बताया कि अगर वो छोड़ते नहीं तो अपन क्या करना चाहिए। यहाँ पे कितने सारे भक्त है कृपालु, जैसे अपन फर्स्ट स्टैंडर्ड में शुरू शुरू में पढ़ने के लिए जाते स्कूल में, वहाँ पे कुछ नहीं आता अपने को, ABCD लिखने के लिए टीचर हाथ में हाथ पकड़ता है, कलम से हाथ पकड़ता है, वैसा ही अपने को कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ के कितने भक्त कृपालु है कि अपने को हर चीज़ सिखाएंगे, कुछ प्रॉब्लम है, भौतिक प्रॉब्लम है या आध्यात्मिक प्रॉब्लम है, उनके साथ शेयर करो तो वो बताएंगे। और सबसे अच्छा तरीका है जीवन जीने का। प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट करके ये सेटअप किया है, उनको क्या लाभ हो जाएगा? उनको क्या, इतने सारे अपने ब्रह्मचारी है, इतना सब सेटअप करते हैं, उनको क्या मिलता है? भौतिक जगत में देखो, इतना सारा प्रोग्राम अगर अरेंज करना है तो कितना पैसा लेंगे, कितना पे करेंगे, अपन क्या देते उनको? कुछ नहीं। लेकिन उनका अंतकरण ऐसा है, प्रभुपाद जी ने जो शिष्य है उनका ऐसा लगता है कि मुझे जो अच्छा चीज़ मिला है मैं दूसरे को क्यों ना दे दूँ। उनका बाकी कुछ टारगेट नहीं, पैसा मिलाना, ये घर बनाना या बंगला लेना, गाड़ी खरीदी करना, ऐसा कुछ टारगेट नहीं है। मेरे पास जो अच्छी चीज़ है जिससे मुझे सुकून मिला है, वो जो बाकी लोग जो भौतिक जगत में तड़प रहे हैं शांति के लिए, उनको कैसा दे दूँ? और ये सब कहाँ से आता है? सब भगवान की कृपा है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में वही बोलते हैं। दूसरा ही क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कृष्ण कौन है? कृष्ण की व्याख्या क्या करें, कौन है कृष्ण, भगवान कृष्ण कौन है? और अगर किसी ने पूछा कि कृष्ण कौन है तो आप क्या बताएंगे? भगवान। और परम, परम भगवान है। और बराबर, हाँ बार ठीक है। हाँ, अगर यही प्रश्न हनुमान जी को पूछा कि राम कौन है तो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे स्वामी है। अगर यही प्रश्न यशोदा मैया को बोले तो वो क्या बोलेगी? कृष्ण भगवान नहीं बोलेंगी, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड नहीं बोलेंगी, वो बोलेंगे मेरा लाला है। दूसरा गोपियों को अगर पूछेंगे कि कृष्ण कौन है तो वो बोलेंगे नहीं कि सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड या सर्व भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा नहीं बोलेगी, वो बड़े मेरे प्रेमी है। क्योंकि उन्होंने एक उनके साथ अटैच ये जो संबंध स्थापित किया है, तो अपने को भी ऐसा लगना चाहिए कि अपन जो व्याख्या कर रहे वो थोड़ा सा रिलेशन नहीं आता है, बोलते उसके साथ संबंध नहीं होता है। ठीक है, आप उनके साथ रिस्पेक्ट करें, लेकिन अपना अटैचमेंट जो है ना वो नहीं होता है। अटैचमेंट कब जो हो गया, रिलेशन बढ़ेगा। अगर किसी को सपोज मुझे पिताजी नहीं है तो मैं क्या बोलेगा, कृष्ण कौन है? मेरे पिताजी है। तो जैसा मैं मेरे पिताजी के ऊपर निर्भर रहता हूँ, ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम होने दो पिताजी हैंडल कर देंगे, ऐसा ही मैं अगर सोच रहा हूँ या मेरा मेंटेलिटी हो गया कुछ भी प्रॉब्लम होने दो मेरे पिताजी है ना, बाकी देखने वाले। तो वो दासत्व की सेवा बोल तो यह आता है, अपन जैसे अपने पिता माताजी की सेवा करते हैं वैसे ही फिर वो रिलेशन बढ़ जाता है। और ये जो कृष्ण भावनामृत जो है ना, भौतिक जगत में शांति मिलने का बहुत ही आसान तरीका है। कृष्ण भावनामृत होना मीन्स क्या होना है? संबंध स्थापित करना है, ये जो व्याख्या की है वो ठीक है वो, लेकिन अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कैसा करेंगे, आचरण में कैसा लाएंगे? स्मरण कैसा हो जाएगा ना, उसके लिए कुछ प्रोसीजर दिया है। तो प्रभुपाद जी ने जो सेटअप लगा है वो बहुत ही अच्छा है। कोई बोल सकता है कि हमारे पास टाइम नहीं है,
हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में जॉब करते 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा जॉब करते, 2 घंटा जाने आने के लिए टाइम लगता है, 5-6 घंटा या 7 घंटा सोने के लिए जाता है, बाकी का काम, फिर टाइम कब मिलता है? टाइम ही नहीं मिलता है। तो कोई भी ऐसा सोच सकता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है यह करने के लिए, बोल तो। लेकिन एक भक्त का जीवन देखो कैसा है। अपन सब गृहस्थ है, जैसे ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी 24 आवर्स 30 डेज 365 डेज भगवान के साथ रहते, एंगेज रहते। लेकिन अपन गृहस्थ है, अपन उनके साथ ये नहीं कर सकते। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये जो सेटअप लगाया सिर्फ गृहस्थ, उनका तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन गृहस्थ के लिए कितना ट्यून अच्छा किया है। अगर आपका जॉब है या कुछ बिजनेस है, उसको हैंडल करके कैसा कर सकते हैं? सुबह 4 बजे अगर उठते, नहाते धोते आधा घंटा में होता है, 16 माला अगर जप करते 6 बजे तक होता है, उसके बाद आपके घर में विग्रह, बोल तो अटैचमेंट कैसा बढ़ना चाहिए? अगर विग्रह है, अगर आपको लगता है कि मुझे अटैचमेंट बढ़ाना है, अगर विग्रह है तो उनकी सेवा करते, मंगल आरती करके, कुछ सेवा करके, आपके एक डेढ़ घंटा ऐसा ही जाता है, उसमें जाता है, फिर आप भगवद्गीता भागवतम पढ़ सकते हैं, तब तक आपका 10 बज जाते हैं, ऑफिस का टाइम हो जाता है। जैसा अगर आपका ट्रैवलिंग 1 घंटा है, तो बस में बैठ के हेडफोन डाल के आप कौन से अपने प्रभु जी के या महाराज जी के लेक्चर सुन सकते हैं जाने के टाइम में। और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे फैसिलिटी है नहीं है, अगर फैसिलिटी है, आपका बिजनेस है तो आप वहाँ पे लेक्चर सुनते थे, कीर्तन सुन सकते, फिर से 8 घंटा के बाद ड्यूटी होने के बाद रिटर्न आने के टाइम में लेक्चर सुन सकते, शाम के टाइम में घर में आने के बाद विग्रह की सेवा कर सकते, उनको भोग लगा सकते। इसमें क्या हो जाएगा कि आपका पूरा फैमिली एंगेज हो जाए, उनको सेवा करने का चांस मिलता है। जैसा आप शाम को आते आरती गौर आरती करते हैं, या कुछ घर में जितने मेंबर हैं उनके साथ मिलके कीर्तन करते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। दिन भर का कितना टेंशन रहता है, वो टेंशन रिलीज हो जाता है। आपके घर में भगवान का विग्रह है, फोटो है, उनको देख के ऐसा लगता है कि वो रिलैक्स। कीर्तन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कीर्तन के विरुद्ध क्या है? नर्तकी। ये जो भौतिक जगत के लोग हैं, बाकी के लोग हैं, कीर्तन नहीं करते तो नर्तक के साथ नाच करते, नाचेंगे वो, अपने ही वैसा ही। ये जो माइंड में डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत होता है, तो अपना दिन भगवान के साथ कैसा जाएगा, यही सोचना है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे आसान तरीके दिए हैं, बहुत सारे प्रभु जी के एग्जाम्पल है, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। बसते बसते अपना शाम के टाइम में गौर आरती हो गया, भोग लग प्रसाद रेडी हो गया, भोग लगाएंगे बाद प्रसाद खाएंगे, जब प्रसाद लेते हैं उस टाइम पे एक वीडियो लगाते या लेक्चर सुनते हैं, और सुकून मिलता है। सोने के टाइम में सपोज एक कृष्ण कथा सुनते हैं, तो और ये मिलता है। बोलते छोटे टाइम में अपने माइंड में जैसे ये रहते हैं, विचार रहते हैं, वैसे रात में नींद आती है, नहीं तो फिर ड्रीम स्वप्न आते हैं। अगर सोचिए अपन ने कृष्ण कथा पढ़ा होगा तो भगवान कृष्ण की कथा ही अपने दिमाग में रहेंगी, या हो सकता है कि आपके स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो ये 24 घंटा भगवान के साथ अपन अटैच हो सकते हैं अगर ये प्रोसीजर आप लगे। और इस्कॉन का सेटअप वही है, उन्होंने वही दिया है अपने को, कोई जॉब छोड़ने का नहीं, बिजनेस छोड़ने का नहीं, कोई रिलेशन छोड़ने का नहीं। इससे क्या हो जाएगा, आपके फैमिली मेंबर एंगेज रहेंगे, समझ मिसेस है, बच्चे लोग है, ऐसा नहीं कि उनको पढ़ाई छोड़ के ये करना है, लेकिन पढ़ाई होने के बाद बाकी कुछ तो करते हैं ना, जैसे मोबाइल पे गेम खेलते, आपने भी देखो क्या करते, जैसा टाइम मिलता है व्हाट्सअप देखते हैं या कुछ गेम खेलते हैं टाइम पास के लिए, रिलैक्स होने के लिए। बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसा है कि वर्क लोड ज़्यादा रहता है करके क्या करते, 2 घंटे का ब्रेक रहता है, उसमें जिम, ये म्यूजिक या मेडिटेशन, योगा, बहुत सारे सिस्टम अप्लाई किया, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि रिलैक्स होते नहीं वो।
उनका माइंड जो है वो डिस्टर्ब ही रहता है। तो अपना माइंड बोल तो शांति मिलने का वही यही तरीका बहुत बढ़िया है। और इसके लिए वो भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है कि भगवद गीता का 18वां जो अध्याय है उसमें का 65 नंबर का श्लोका दिया है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषि सत्यम ते प्रति जाने प्रिय वसेमे, सदैव मेरा चिंतन करो। अगर ये जो रूटीन दिया है 24 आवर का उसमें अगर इसको फॉलो करेंगे तो हो रहा है ना, वो सदैव चिंतन ही हो रहा है, मेरे भक्त बनो, भगवान की सेवा कर रहे हैं या वार्चा विग्रह कर रहे भक्त ही हो ना, मेरी पूजा करो, भगवान की ही पूजा कर रहे और मुझे नमस्कार करो। मीन्स उन्होंने ये जो दिया है वो बराबर इम्प्लीमेंट हो रहा है उसमें। इसमें अपने को कोई बोल तो अपना जो रूटीन जॉब है उसको डिस्टर्ब होने का चांस ही नहीं होता ही नहीं डिस्टर्ब। इसी प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, बोलते इतनी श्योरिटी दिया है, इतना सिंपल चीज़ें करके भगवान बोल रहे कि ये चीज़ें करो मैं आपको ले लूँगा। लेकिन अपने को कॉन्फिडेंस नहीं या विश्वास नहीं है कि पहले बार तो अपने को लगना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अपने को क्या लगता है, ठीक है तकलीफ हो रहा है भौतिक जगत में या जॉब में तकलीफ हो रहा है, बिजनेस में तकलीफ हो रहा है, ठीक है आज नहीं तो कल सुधरेंगे, कल परसों सुधरेंगे ऐसा लगता है, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं लेते, बाद में परेशान परेशान होके जाते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, ये अर्जुन को बताया। अभी भगवान किसको वचन देंगे, पहले उनका परम मित्र होना पड़ेगा ना अपने को। जब तक अपन उनके परम मित्र नहीं हो जाएंगे, मित्र हो जाओ पिताजी अब तो लड़का होने जाओ फिर कुछ भी होने दो, उनके साथ अटैचमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई बाहर का आदमी आता है और बोलता है कि मुझे करना मुझे ऐसा वचन दे रहे तो मेरे साथ भी होने, भगवान बहुत कृपालु है, लेकिन वो बोलते हैं तुम मेरे पास आओ। और उनके पास जाने का बहुत आसान तरीका है जो बताया वो। उन्होंने बताया कि सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। अगर ये जो पद्धति दी है इसको अगर अपन लाते हैं तो सदैव चिंतन कर ही सकते। जो कोई भी अर्जुन के पद का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मीन्स अपन ये भौतिक जगत कलयुग में रह के भी ये कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु की बहुत अपने ऊपर कृपा है। बाद में उन्होंने दूसरा एक श्लोक दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अभी धर्म का परित्याग करना में क्या करना है, जैसे सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम जो कुछ धर्म है, ये धर्म नहीं बोल रहे, अपन जो कुछ देवी देवता इधर उधर का ये कर रहे वो बोले बाकी जगह जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ सब कुछ मिल रहा है आपको, यहाँ आने से भगवद गीता पढ़ने से बाकी सब चीज़ें मिल रही, तो इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि उन्होंने दिया है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूँगा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ऐसा कोई भी नहीं बताया कि मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा और डरो मत। मीन्स कितना कॉन्फिडेंसली बताया है कि तुम डरो मत मैं हूँ। अपने को सुकून कब लगता है, अरे ठीक है मेरे पास पीछे है कोई, तो आदमी डरता है कब, अरे कोई बोल तो ये नहीं है। सोचिए अगर
अपन दूसरे स्टेट में जाएंगे, वहाँ पे अपना कोई पहचान नहीं, ये नहीं, तो सेट होना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन उसी टाइम पे अगर कोई पहचान वाला है या कोई नज़दीक वाला रिलेटिव्स है तो अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपने को कुछ भी प्रॉब्लम होने से वो अपने को हेल्प करेगा। वैसा ही भगवान बोल रहे कि तुम डरो मत, मैं हूँ। और उन्होंने एक प्रक्रिया बताई कि मेरी शरण में आओ। शरण आना मीन्स क्या करना है? शरण जाना है मीन्स क्या करना है? आपको क्या लगता है शरण में जाने का क्या करना? ये जो प्रक्रिया बताई है वही शरण है। ये जो नाम जप, भगवद गीता भागवतम पठन, शास्त्र अध्ययन, विग्रह सेवा, भक्तों का संग, यही शरण है। क्योंकि आप उनके साथ जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली अगर वो कर पाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। अपने को जो विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण, अगर मेरा श्रद्धा है तो वो कौन सा भी परिस्थिति आने दो वो मुझे वहाँ से छुड़ा देंगे। इसका मतलब ये नहीं लेने का कि वो सब करेंगे, अपने को करना ही पड़ेगा, लेकिन श्रद्धा, मैं मेरा प्रयत्न तो करता हूँ। जैसा अर्जुन को हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया नहीं कि तुम युद्ध मत करो, मैं युद्ध करता हूँ, लेकिन उन्हें बताया तुम युद्ध करो, मैं हूँ पीछे आपके, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, ऑलरेडी मैं सब गेम ये कर दिया है, बोल तो सक्सेस कर दिया है, तुम उसका श्रेय ले लो। सेम कंडीशन भौतिक जगत में अपने साथ हो रही है, लेकिन अपन उसको समझते नहीं। जैसा जैसा अपन इसमें आ जाएंगे या कर पाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो अपने को एक्सपीरियंस आता है, अपने साथ जो साक्षात्कार हो जाएंगे ना, तब पता चलता है कि नहीं यार, रियली भगवान जो बोल रहे हैं, भगवद गीता का जो उपदेश दिया है वो सही है। जब तक अपने को अनुभव नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा। और अगर आपको अनुभव आया है, अगर आपका फायदा हुआ है, तो वो दूसरे को क्यों नहीं दे रही? दूसरे को दे दो, क्योंकि अपने सर के ही सेम प्रॉब्लम जो भौतिक जगह बाकी के जो लोगों को है उसको है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अपने पास जो अच्छी चीज है, अच्छी चीज मीन्स इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है, तुम सोना दे दो, गाड़ी दे दो, घोड़ी, प्रेजेंट, गिफ्ट, लाइफ में वही सोचना चाहिए कि इसके बाद मैं किसी को गिफ्ट दे दूंगा तो प्रभुपाद जी के बुक्स के सिवा कुछ नहीं दे दूंगा। क्योंकि प्रभुपाद ने इतने अपार कष्ट किए, अगर उनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो अपन कुछ भी नहीं है, अपने जो प्रॉब्लम है कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते उनके साथ। उन्होंने इतना 70 साल में इतना सारा किया, तो उनके साथ अगर देखते हैं तो अपने प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपन प्रॉब्लम बैठ करके बैठे हैं। और बहुत आसान तरीका है, जैसा जैसा अपन प्रगति करेंगे वैसा वैसा अपने को साक्षात्कार हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उन्होंने वही डायरेक्टली बताया, प्रभुपाद जी का तात्पर्य में दिया है उन्होंने, इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। अपन ज़्यादा सोचते किसके बारे में, मेरा जॉब बचेगा क्या, प्रमोशन हो जाएगा क्या, कहीं मुझे निकल नहीं दिया जाएगा क्या, इसी के सोच चक्कर में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंसली दिया है उन्होंने, डायरेक्टली बताया कि इसके बारे में सोचो मत, वो संभाल लेंगे। तो अगर इतना दिया है तो अपने उसका फायदा लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण की अवलंब समझे।
कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। प्रभुपाद जी वही बोल रहे, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं, बोला है ना करने का। अपने जो सीनियर भक्त बोलते, ब्रह्मचारी बोलते, बस उनका लाइफ देखो, अपने पास उनके पास क्या है। प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, प्रभुपाद जी थे IAS IPS बड़े बड़े एजुकेटेड, उन्होंने इतना बोलते, उनके पास इतना नॉलेज था, उनके पास इतना संपत्ति था, इतनी प्रॉपर्टी था, उन्होंने क्यों टर्न किया सब छोड़ के सिर्फ भगवद्गीता या इधर इस्कॉन को क्यों ज्वाइन हो गए, कुछ सोचा होगा ना। अपने पास तो कुछ भी नहीं है, ना नॉलेज है, ना प्रॉपर्टी है, ना हेल्थ है, ना कुछ भी है। तो उन्होंने अगर इतना डिसीजन लिया है कि एक ही टर्न में हंड नबल तो इतना सारा छोड़ के इधर आए, तो उन्होंने कुछ देखा होगा ना, और उनका फायदा हो गया उनको ये करके, बोल तो लॉस में तो कोई गया नहीं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है अपना जीवन शांति से ये करने का, बोल तो व्यतीत करने का। सबसे बढ़िया तरीका है कि सेवा करेंगे ना, तब तक अपने को फीलिंग नहीं रहेगा, बोल तो अपनेपन नहीं लगा। अगर किसी के शादी में जाते हैं अपन, तो जाते हैं शादी अरेंज होने के बाद खाना खाते हैं और रिटर्न आते हैं, लेकिन सोचिए अगर वहाँ पे अपन ने कुछ सेवा किया तो लगता है कि ठीक है, कुछ भी सेवा होने दो। वैसा इधर भी है, हर भक्त ने कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए। यहाँ पे इतनी अनगिनत सेवा है, आपके आपको जो लगता है वो, क्योंकि ये जो इस्कॉन जो है सिर्फ सेवा के ऊपर ही चलता है। यहाँ के कोई बाहर के आदमी बुला के तो कुछ नहीं करते, जितनी सेवा बढ़ेगा आपको भी बहुत सुकून लगेगा। कुछ भी होने दो वो सेवा। सबसे इम्पोर्टेंट और मंदिर, अपना औरंगाबाद का मंदिर का प्रोजेक्ट बोल तो डेवलप हो रहा है, बोल तो प्रगति पथ पर है, उनके लिए अपन क्या सेवा कर सकते। अपना एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे जो फायदा हुआ दूसरे को कैसा दे दूँ मैं, उसको कहाँ कैसा उसको यहाँ आके खींच के ला लूँ। अपना वही काम करने का, इधर लाने का, बाकी कुछ करने का नहीं, बाकी सब भक्त हैंडल करते। अगर एक बार वो अटैच हो गया तो उसको लगेगा कि नहीं कुछ चेंजेस है, और आप यहाँ ज्वाइन होने के बाद कुछ चेंज दिखना चाहिए। मेरा जो बिहेवियर है, रहना है, लोगों के साथ जो बातचीत करना है, कुछ चेंज होना चाहिए। अगर सामने ने बोलना तो बोलना चाहिए कि अरे आप बहुत चेंज हुआ, तो उसको लगा कि चेंज क्यों हुआ, क्या कारण है। मैं मेरा एक किस्सा सुनाता हूँ कि 10-15 साल पहले मैं जब पुणे में था, तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक बिजनेस था वो अपॉर्चुनिटी दिया था। बोल तो उसने भी बोला मैं एक ऐसा ऐसा बिजनेस ज्वाइन किया हूँ, तुम ज्वाइन करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो उनका वो टारगेट था कि लोगों को चेंज दिखना चाहिए, लोग कैसा अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उसने वो चेंजेस दिखाया, पहले जो शर्ट पहनता था, पैंट पहनता था, शूज पहनता था, रहता था, उसने वो चेंज दिखाया। मुझे भी लगा अरे बहुत बिजनेस अच्छा है, करना चाहिए, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। मैंने भी ठीक है, भौतिक जगत में क्या होता है देखो, भौतिक जगत और ये आध्यात्मिक जगत या ये जो इस्कॉन है उसमें कितना डिफरेंस है। मुझे भी लगा ठीक है यार, ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि इसमें चेंज दिख रहा है। मैं भी ज्वाइन किया, कुछ पैसा डाला, ज्वाइन किया। वहाँ पे मुझे भी बताया कि अगर आप दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते तो आपको चेंज होना पड़ेगा, आप जो कपड़े पहनते हैं, आप जो रहते हैं, आप जो बात करते हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा, तो उसे बाकी के लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरा टारगेट क्या था लोगों को अट्रैक्ट करने का, कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, यही टारगेट था। लेकिन यहाँ पे वो टारगेट नहीं है,
अपने को क्या करने का है कि वो जो प्रॉब्लम में फंसा है उसको सुकून दिलाने का है। मुझे जो अच्छी चीज़ मिले है, मैं जो प्रॉब्लम में था, मुझे जो अच्छी चीज़ मिले है मैं दूसरे को देना चाहता हूँ। भौतिक जगत में मैं या मेरा फ्रेंड वो लोगों को क्यों ज्वाइन कर रहा था, क्योंकि मुझे 10,000 रुपये मिलने वाले थे। यहाँ पे वैसा नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है और वो अनगणित है, उसको कोई भी ये नहीं कर सकता, बोले तो कंपेयर नहीं कर सकता, किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उसका लाइफ अगर बन गया, अच्छा लाइफ अगर बन गया तो और क्या चाहिए। अगर सोचिए कि आपका फ्रेंड है वो वाइट मार्ग या गलत रास्ते पे चल रहा है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि यार क्यों गलत, बहुत तो अच्छा था लेकिन गलत मार्ग पे क्यों चल रहा है। उसका भी प्रॉब्लम ये नहीं रहे था गलत मार्ग जाने का, लेकिन ये भौतिक जगत में उसको बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर उसने ये पढ़ा है तो यहाँ पे दिया है ये डिस्ट्रक्शन क्यों आ रहे हैं। जब अपने को रियलिटी पता चलती है ना कि ये होने वाला है या मेरे साथ होने वाला है, तो उसको क्या अपने को ये मिलता है, बोलता उसके साथ स्ट्रगल करने का कॉन्फिडेंस मिलता है, बोलते शक्ति मिलती है। ठीक है, जो कुछ हो जाएगा वो, लेकिन गलत मार्ग ढूंढ बोलते जाना नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय का प्रॉब्लम है करके यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। मेरा कुछ वर्ड बोल तो आपको हैमर किया रहेगा तो क्षमा कीजिए, लेकिन रियलिटी बहुत, मैं मेरे लाइफ में भी बहुत सारे परिस्थितियों से गया हूँ। रियलिटी अगर सोचेंगे तो हमारी दो टाइम की रोटी खाने का ये नहीं था, दो टाइम की रोटी मिलने का ये था बोल तो प्रॉब्लम था। लेकिन मैं समझता हूँ कि भगवान की कृष्णा कृपा से या इस्कॉन की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, जो कुछ हो, लेकिन बहुत शांति मिली है। क्यों? कि रियलिटी पता हो गया। जब अपने को रियलिटी पता होता है कि ये चीज़ें होने वाली है या इसके साथ नहीं जाना चाहिए, अपने को रियलिटी पता नहीं, भागते हैं भागते है, तो आएगा ही वैसा। हरे कृष्णा।